वेलकम बैक वंस अगेन टॉक विद शुभम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा के लिए आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 1270 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए क्लियरली मेंशन किया गया कि मनरेगा की तरफ से काफी अच्छी परमानेंट जॉब ऑफर आ चुका है। अगर बात करें पोस्ट नेम के बारे में तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर की, इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की और भी कई सारी यहाँ पे ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप लोग अगर केवल और केवल कक्षा 10वीं या 12वीं भी पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपके पास अभी तक किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2021 के अंदर मनरेगा की तरफ से आई हुई वैकेंसी के लिए अप्लाई करके एक अच्छी सी जॉब पाने का, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखने के साथ, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना हो जाएं। इसके अलावा इस वैकेंसी की कुछ खास बातें जो कि अभी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आगे जब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं तो आप लोग बिना किसी डाउट के सारी जानकारी समझ पाएं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बिना किसी एग्जाम के केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉर्मल से इंटरव्यू के बेस पे आप सभी का चयन यानी कि सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे, घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आवेदन कर पाएंगे। और इसी में तीसरी सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल फ्री में यानी कि बिना किसी फॉर्म शुल्क के आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। कैसे करना होगा इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके सैलरी पैकेज के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर लमसम देखा जाए तो आपको 28,000 रुपए तक पर मंथ का यहाँ पे वेतन भी दिया जाएगा। इसके अलावा मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर सकते हैं। एज की बात करें तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष के बीच में है तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए अभी नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से अभी के अभी कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आप लोग यहां पे देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ये वैकेंसी आ चुकी है। यहां पे आपको डेट 5 अगस्त 2021 की दिख रही होगी, लेकिन आप लोग इसको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से यह नोटिफिकेशन तो पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन जो आवेदन करने की डेट यहाँ पे बताई गई है सोमवार 9 अगस्त की, तो यहाँ पे आवेदन स्टार्ट नहीं हुए, इसीलिए इन वैकेंसीज के लिए आवेदन अब जाके स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 1278 पोस्ट पर यहाँ पे भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि आपका कौन कौन सी नंबर वैकेंसी और कितनी पोस्टें हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्गीकरण और विज्ञापित रिक्तियों की संख्या। सबसे पहले आपको एडिशनल प्रोग्रामर ऑफिसर की, जहाँ पे आपको 191 वैकेंसी। इसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जहाँ पे 197 वैकेंसी। कंप्यूटर ऑपरेटर की, जहाँ पे 116 नंबर वैकेंसी। टेक्निकल असिस्टेंट की, जहाँ पे आपको 774 पोस्टें और टोटल की बात करें तो 1278 पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान रखना है कि मनरेगा की तरफ से वैकेंसी है तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि पहले आओ पहले पाओ के अंतर्गत ये वैकेंसी आ रही है, यानी कि आप लोग जितना जल्दी जाएंगे, जितना जल्दी आवेदन करेंगे, जितना जल्दी आपका आवेदन पत्र उनके हाथ में होगा, उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको कई तरह की चीजें भी बताई गई जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई जो कि आगे आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें, ताकि बिना किसी डाउट के आप लोगों को एक अच्छी सी पोस्ट पर जॉब मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मनरेगा की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 और 22 के बारे में। क्योंकि आपको पता होगा कि इन वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन 5 अगस्त को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन अब इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बोला गया है कि पहले आओ पहले पाओ। इसका मतलब जो पहले आएगा उसको पहले नौकरी मिलेगी, जो बाद में आएगा सीटें फुल होने के बाद तो कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे टोटल 1200
470 यानी कि 1278 पदों पर वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं, जिनके लिए मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इजिली अप्लाई भी कर सकते हैं। बिना किसी एग्जाम के यानी कि बिना किसी परीक्षा के आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब होती है उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका स्किल होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। वेतन की बात करें तो आपको 28,000 रुपए तक यहाँ पे पर मंथ का वेतन भी दिया जाएगा, जो कि आगे मैं क्लियर करूंगा नोटिफिकेशन पे ले चल के। और आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। तो मनरेगा की तरफ से आई हुई वैकेंसी का लाभ उठाइए। अभी तो आपको एक और चीज दिखानी बाकी है, जो कि न्यूज़पेपर का कटिंग है, जो कि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। उसमें अगर चलते हैं तो आपके सारे डाउट्स वैसे भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, जहां से आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का ऑफिशियल लिंक मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं मनरेगा रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपको आवेदन ऑनलाइन ही करने होंगे। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे तो आपको कई सारी जानकारी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, टोटल आपको 1278 नंबर वैकेंसी मिलेंगी, जहां पे अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी नंबर वैकेंसी की बात करें तो एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर के लिए 199, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 197, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 116 और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 774 पोस्ट पर यहाँ पे वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। यहाँ पे आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे मनरेगा के रूल के हिसाब से आपको छूट भी मिलेगा। बात करें एप्लीकेशन शुल्क की, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, यहाँ पे आपका कोई भी एप्लीकेशन शुल्क अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की तरफ से वैकेंसी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको वेतन भी बताया गया है। तो चलिए पोस्ट वाइज वेतन क्लियर कर लेते हैं। अगर आप लोग एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 28,000 पर मंथ का, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 11,200, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सेम 11,200 और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 11,200 रुपये आपको पर मंथ के दिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए आपका एजुकेशन 10-12 डिप्लोमा और ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे आपको आखिरी डेट से पहले आवेदन जरूर से फिल कर देने हैं और आपका सिलेक्शन स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। देन इसके बाद बात करें अगर इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में, तो आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ यहाँ पे linkworking.org की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। तो दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी के लिए एक बार linkworking.org की साइट पे जरूर जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा अपडेट, अच्छा अपडेट किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ से आपको नीचे आ जाना है सारे अपडेट्स को देखने के बाद, क्योंकि इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन आपको नीचे आने पर ही मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन लिंक मिलेगा और ऑफिशियल वेबसाइट लिंक मिलेगा। अभी सबसे इंपोर्टेंट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनरेगा में 1278 पदों पर पोर्टल से भर्ती की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको मैं इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो आपको यहां पे क्लिक करना है और किसी भी पीडीएफ रीडर के अंदर अपना नोटिफिकेशन इजिली ओपन कर लेना है। यहां से जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे, देखिए हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, पूरा का पूरा सेम नोटिफिकेशन है और यहां पे आपकी सारी की सारी जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी और पोस्ट नेम है वो कवर अप किया गया है। इसके बाद यहां से बैक लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जूम करते हैं। देखिए मनरेगा में 1278 पदों पर पोर्टल से भर्ती की जाएगी, इसके बारे में देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 1278 पदों पर सेवा योजना पोर्टल sevayojana.up.nic.in पे माध्यम से भर्तियां होंगी। आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होंगी। सेवा योजना पोर्टल द्वारा पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एक रिक्त पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों के आवेदन विभाग को भेजे जाएंगे, यानी कि एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों के आवेदन ये आगे सेंड करेंगे। तो पहले आओ पहले पाओ से मतलब ये हुआ कि पहले जो 3 होंगे उनके ही भेजे जाएंगे हर एक पोस्ट के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे 9 अगस्त बोला गया डेट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला था वो अभी नहीं हुआ है। प्रतिरिक्त पद के सापेक्ष जो 3 पहले आवेदकों की सूची भेजी जाएगी वह प्रमाणित होगी आयुक्त ग्राम विकास अवधेश कुमार तिवारी ने, इसके लिए निदेशक सूचना एवं
जनसंपर्क विभाग को पत्र लिखा। कुल रिक्तियों के सापेक्ष जितने अभ्यर्थी चाहे वह अपनी अर्हता के मुताबिक आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार के आरक्षण संबंधित नियमों और उपनियमों का अनुपालन किया जाएगा। यानी कि अभ्यर्थी जितने हों आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ही सभी पदों पर भर्ती होने वाली है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। इससे पहले भी यहाँ पे मनरेगा की तरफ से वैकेंसी आई थी, जिसके लिए आप लोगों ने ऑफलाइन आवेदन कर दिया होगा और उसकी आखिरी डेट यहाँ पे 20 सितंबर 2021 तक की ही थी, जिसमें 52 नंबर वैकेंसी थी। ऐसी अपडेट आगे भी देखने के लिए आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने का एक वीडियो बना के दूं और अभी तक ये भर्ती क्यों रुकी हुई थी इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन उतना जल्दी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।